कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बिना सक्रिय राजनीति के भी जनता में लोकप्रिय हैं। उन्होंने कभी विधायकी नहीं लड़ी, न कभी सांसद रही और न ही कोई चुनाव लड़ी है, फिर भी उनका नाम देश के राजनेताओं में शुमार है। विपक्षियों पर तल्ख रहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा आम जनता से घुलमिल जाने के स्वभाव की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में होती हैं और इन दिनों यूपी की सियासत में वो जमकर चमकती दिख रही हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाया था और पूर्वी यूपी की पूरी जिम्मेदारी दी थी, जिसमें कांग्रेस का गढ़ रायबरेली और अमेठी भी शामिल था। लेकिन इस बार चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ पूरे ही उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं। 1972 में जन्मी प्रियंका सियासी विरासत के साथ जनता के बीच हैं। हमेशा से उनकी तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती रही है। इंदिरा गांधी को लेकर कहा जाता है कि बेहद सहज तरीके से वो जनता से मिला करती थी और प्रियंका गांधी के बारे में भी कुछ ऐसा ही प्रचलित है। प्रियंका के सियासी सफर की बात करें तो साल 2004 के आम चुनाव में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ प्रचार अभियान में बतौर प्रबंधक जुड़ी थीं। इसके अलावा 2007 में अमेठी और रायबरेली क्षेत्र के 10 सीटों के लिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार भी किया। 23 जनवरी 2019 को उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया, लेकिन इस वक्त वो पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिख रही हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी चुनावी रणनीति भी चर्चा में है। माना यह जा रहा है कि प्रियंका ही प्रत्याशियों का चुनाव और चुनावी रणनीति पर अंतिम फैसला कर रही हैं। महिलाओं को ज्यादा टिकट देने के फैसले पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा का ही नाम सामने आया है। सोशल मीडिया की बात करें तो 43,27,798 उनके फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, वहीं 54 लाख ट्विटर फॉलोअर्स के साथ प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर खासा लोकप्रिय हैं। प्रियंका की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो सोशल मीडिया पर लाइव होती हैं तो हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते हैं। 2019 से सक्रिय राजनीति में दिख रही प्रियंका पूरी यूपी में अब परचम लहराने के लिए हैं और कमजोर पड़ती कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में हैं। मैदान के महारथी के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश चुनाव में चर्चा का विषय है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद प्रियंका गांधी किस भूमिका में नजर आती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।